लॉकडाउन में मैं ड्राई ट्रेनिंग कर रही हूँ घर पे, और अभी चंडीगढ़ में लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्स हुआ है तो मैंने रेंज पे जाना शुरू कर दिया है. और फिजिकल फिटनेस के लिए मैं 2 टाइम सेशंस कर रही हूँ सुबह और शाम को, और काफी अच्छे से फिटनेस हो रही है क्योंकि अभी बहुत टाइम है किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए, तो फिटनेस और मेंटल ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. टोक्यो ओलंपिक्स की तैयारी पिछले 3 साल से चल रही है और प्रॉपर प्लान बन रहा है कि कैसे कब ट्रेनिंग करनी है, कब ऑफ लेना है, कौन सा कॉम्पिटिशन खेलना है. पर अभी लॉकडाउन की वजह से अभी कुछ भी प्लान, मतलब कोई भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हिस्सा नहीं होगा, तो सिर्फ हम अपनी मेंटल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग पे काम दे रहे हैं और काम कर रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं कि हम अपनी ट्रेनिंग करते रहे हैं ताकि जब भी कोई भी कॉम्पिटिशन होगा तो हम अपनी बेस्ट फॉर्म में. मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि हमारे जो फेडरेशन है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है शूटिंग में से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए, और जो भी सबसे ज्यादा डिजर्विंग होगा मुझे भरोसा है उसी ही अवार्ड मिलेगा. मैं अपने कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल को और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर आया था उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेडल समझती हूँ, अचीवमेंट के तौर पे भी, और मुझे लाइफ के काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस देने के लिए भी वो मेडल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, जिनकी वजह से मैं जो भी आज हूँ, जितना भी रिकॉग्निशन मिला है और जो भी मुझ में कॉन्फिडेंस है और मेरा शूटिंग का लेवल बढ़ा है वो भी मेडल्स की वजह से. कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे और जब वायरस इतना ज्यादा फैला हुआ है पूरी दुनिया में, बस एक ही मैसेज है कि घर पे रहिए. अभी चाहे लॉकडाउन कई जगहों पे खुल भी गया है बट फिर भी वो इसलिए खुला है क्योंकि इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, इसलिए नहीं कि वायरस कम हुआ है. तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है बाहर जाने का, मास्क पहनने का, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर यूज करना, और जितना भी हो सके घर पे रहिए और सारे काम घर से कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप ध्यान रखें अपने घर वालों का और बाहर ना जाइए. बस यही कहना चाहूँगी मैं सबको कि अभी वायरस सबसे ज़्यादा फैल रहा है इंडिया में, अभी कुछ भी बेटर नहीं हुआ है.